नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। विधानसभा चुनावों में करारी हार के बाद कांग्रेस अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का फोकस अब दलित वोटर्स को साधने का है। यही कारण है कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपने संगठन में बदलाव किया है। जीतू पटवारी MP कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। जीतू पटवारी के साथ उमंग सिंघार को भी जिम्मेदारी दी गई है। जीतू पटवारी का फोकस अब दलित और आदिवासी वोटर्स को साधने का है, जिसके जरिए वे BJP की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। वे अपने दौरे पर दलित और आदिवासियों पर भी फोकस करेंगे। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भाव पैदा कर रही है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने दलित वोट बैंक पर फोकस किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने तय किया है कि वे अब मध्य प्रदेश का दौरा करते वक्त कार्यकर्ताओं के घर में रुकेंगे और भोजन करेंगे। इसके अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोग भी इसमें शामिल होंगे। जीतू पटवारी ने ग्वालियर चंबल क्षेत्र का भी दौरा किया। बता दें कि मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 35 अनुसूचित जाति और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए रिजर्व है। कांग्रेस की नजर अनुसूचित जाति वर्ग के वोट बैंक पर है। दलित और आदिवासी को कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता है, लेकिन विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का ये वोट बैंक उससे छिटक गया। अब कांग्रेस इस वोट बैंक को फिर से साधने की कोशिश में है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस 14 अप्रैल को अंबेडकर को धूमधाम से मनाने की भी तैयारी कर रही है। साथ ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। BJP ने सभी सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, वहीं कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। साथ ही बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के खाते में MP की केवल एक ही सीट आई थी, जबकि BJP ने शेष 28 सीटों पर जीत दर्ज कर ली थी। इसके अलावा तो बता दें कि हाल ही में हुए MP विधानसभा चुनावों में 230 सीटों पर हुए मतदान के बाद जब रविवार 3 दिसंबर को चुनावी परिणाम सामने आए, तो उसने BJP को यहां कांग्रेस से बहुत आगे लाते हुए विपक्षी दल कांग्रेस को बड़ा झटका दिया और 230 सीटों पर हुए चुनावी परिणाम के बाद कांग्रेस महज 66 सीटों पर सिमट गई और पूर्ण बहुमत के साथ 163 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने सरकार फिर से बना ली। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे SPN 9 न्यूज़।